एवरीवन, माय नेम इज किरण नेगी एंड हम लोग आईयूपीएससी कर रहे थे. कल के क्लास में हम लोगों ने बेस कर लिया है आईयूपीएससी का. सो आज हम रूल्स पे बात करेंगे. तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोगों को वो देखना पड़ेगा क्योंकि बेस उसी में है. उसमें हमने वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, उन सब के बारे में एक्चुअली पूरा पढ़ लिया है. तो आज आपको सिर्फ रूल अप्लाई करने हैं. तो आपको आज का क्लास लेने से पहले वो क्लास लेना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाओगे. तो अगर नहीं लिया तो उसको लो और यहां हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रूल से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल. ठीक है, क्या है फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल, और शुड वी से क्या बोले इसको, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन रूल. क्या कहें, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन रूल, यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखें हमें वो चेन लेनी चाहिए. ठीक है, नाम लिखते टाइम जो क्या हो, सबसे लंबी हो और कॉन्टिन्यूस हो. इसको समझ सकते हो आप एग्जांपल से. ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और कहा कि बताओ कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. तो बताओ जरा कौन कौन सी पॉसिबल चेन है, पहले तो ये बता दो. देखो एक चेन तो ये सिंपल स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5. एक तो ये है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5. दूसरा कौन सा है, एक ये भी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत पॉसिबिलिटी है. पर हमें क्या लेनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस, सबसे लंबी. और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा, कहीं से टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम कहीं से कहीं को जोड़ दो. तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है एक चेन, और इसमें कितने कार्बन है, 7. इसमें कितने थे, इसमें कितने थे, 5. इसमें कितने हैं, 5. यानी मैक्सिमम क्या जा रहा है, 7 जा रहा है. यानी हमारे पास अगर हमें इस चेन को काउंट करना है तो हम किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, हम कहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर भी जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन जाएगा कि हमारी चेन कितने नंबर ऑफ कार्बन को रखती है. क्लियर हो गया पहला. दूसरा रूल कहता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के लिए, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. अगर चेन पे पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की कुछ ना कुछ, तब क्या होगा. वैसे ये जो रूल होता है ना, ये एक्चुअली नंबरिंग के लिए होता है, और इसके बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है वर्ड रूट. क्या होता है, वर्ड रूट. और किसको बोलते हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन को. तो हमें क्या करना होता है, किसी भी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. लेकिन वो नंबर ऑफ कार्बन जैसे हम इसमें काउंट कर रहे हैं, वो किधर से करें, वो बताता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन. क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन. अच्छा, इसको मैं समझाती हूँ आपको. एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है. ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है. कहा अब इसमें नंबरिंग करो, नंबरिंग मतलब वर्ड रूट ढूंढो, कितने नंबर ऑफ कार्बन है चेन में बताओ. तो आप लोग काउंट करना कहां से स्टार्ट करोगे, दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो यही है इसमें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5. क्या लगता है आप लोगों को, बताओ जरा काउंटिंग कौन सी सही है इसमें, ये और ये, बताइए बताइए. जहां पे तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रूल ये कहता है कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा या सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिलेगी वहीं से काउंटिंग करनी चाहिए. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जहां पे भी क्या आएगी, कम आएगी, हमेशा नंबरिंग वहां से करना चाहिए. ठीक है, तो काउंटिंग वाला यानी ये वाला सही होगा, ये वाला गलत. ठीक है, अगला वाला आप बताओगे मुझे, बताना जरा.
किधर से काउंटिंग करें इस बार? कहां से काउंटिंग होगी? यहां से ना, 1 2 3 4 5 इस साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं इधर से गिनती तो 1 2 3 4 पे आता, तो इसलिए हमारा कौन सा इस बार काउंटिंग क्या होगी? आगे से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें सब स्टूडेंट को लोअर पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो ये तो था आपका सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। ठीक है, किसकी? थर्ड रूल की। ये कहता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब देखो लोकेंट्स यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं। ठीक है, ये नाम बहुत ही आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको बहुत बहुत ही इजी लगेगा। ये तो बहुत ही इजी है, इसको ध्यान देंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर मुझे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ठीक है नंबरिंग करना है, तो मुझे किस तरफ से करना चाहिए? दिस वन, 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6, ये ए है और ये बी है। बताओ कौन सा सही है, कौन सा वाला सही है? ये आप लोग बता रहे हो। यस करेक्ट, ये वाला सही है। क्यों सही है? यही कहता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। वो ये कहता है कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो तीन पोजीशन पे हो, तो हमेशा वो वाला नंबरिंग साइड सही होता है जिसपे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो और उनकी पोजीशन कम हो। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो और उनकी पोजीशन कम हो, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट इधर को इस साइड है, दो मिथाइल है, सिर्फ एक मिथाइल है, तो इस तरफ से गिनेंगे हम, क्योंकि ये 2 और 3 पे आ रहा है। अगर मैं यहां से काउंट करती तो ये इधर खुद 2 पे आता, लेकिन ये 4 5 पे आते। तो ये कहने का मतलब है जो यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट्स हो, यानी सब्स्टिट्यूएंट का सेट हो, उसकी पोजीशन हमेशा क्या आनी चाहिए? लोएस्ट आनी चाहिए। ये कहता है ये रूल कि जहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, जहां पे भी क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, हमेशा अगर वो सेट में प्रेजेंट है तो उनका नंबर कम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? कम। ये कहता है हमारा थर्ड रूल। अब चलते हैं अपने फोर्थ रूल पे। किस पे? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, अगर ये सेम कंडीशन हो, सेम कंडीशन मतलब हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो लेकिन एक से ज्यादा नंबर में। ठीक है, इफ अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मोर देन वन टाइम, तब हम लोग किस तरह से उसका नाम लिखें कि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ऐसा क्या करें कि हमें पता भी चल जाए कि मिथाइल कितनी बार है और हम उसका नाम भी लिख दें। तब हम यूज करते हैं कुछ वर्ड जिसका नाम होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा और हेक्सा यानी 6। ये क्या दिखाता है? ये उसी सब्स्टिट्यूएंट की नंबर दिखाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कितने। ठीक है, यानी इस वाले में हम कितने लिखते हैं, कितने हैं? 1 2 3, तो हम लिखते हैं 3, यानी ट्राई मिथाइल लिखते हैं। जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। क्लियर हो गई बात? कैसे लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है रूल, नेक्स्ट रूल जो तुम्हारे पास है वो पता क्या है? वो ये कहता है कि अगर, अच्छा अभी देखो हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को नोटिस भी करते रहना। फंक्शनल ग्रुप मैं आपको अलग से बताऊंगी, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसमें सिर्फ 2 बातें समझनी है और हम लोग सब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी आराम से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब है अगला, अगर एक साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इफ 2 or more than 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। ये कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH CH2H5। जानते हो आप CH2H5 को? नाम बताओ जरा, क्या बोलते हैं इसको?
CH3 C2H5 भाई भाई हैं, नाम बताओ जरा। CH3 तो मिथाइल है, C2H5 क्या होता है? इथाइल एल्काइल ग्रुप है ना ये। अब बताओ कि इसमें नंबरिंग कहां से करूं मैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से नंबरिंग कहां से करें? देखो जरा मैं आप लोगों के आंसर। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बताओ भाई। नंबरिंग के दो पॉसिबिलिटी है इसमें, 1 2 3 4 5 6। एक ये 1 2 3 4 5 6। अब ये वाली बात है कि किस सब स्टूडेंट को हम लोग समझे कि वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। कुल मिला के उसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा? देखो प्रायोरिटी, अब ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, इस चीज को ध्यान में रखना। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ऐसा कोई बड़ा छोटा नहीं होता है कभी भी, सारे एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कई बच्चे इस चीज को मॉलिकुलर मास के बेसिस पे नापते हैं कि अरे एथाइल तो बड़ा भारी है तो वहीं से गिनेंगे। नहीं, यहाँ पे लगता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या लगता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी ऐसा ग्रुप जिसका जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। बताओ कौन आता है, इथाइल और मिथाइल? कौन आता है, इथाइल या मिथाइल? यस, इथाइल आता है। तो यानी इथाइल को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, ये पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर मतलब इससे तो पहले आएगा, नंबर पहला नहीं मिलेगा इसको, लेकिन इससे पहले आएगा। तो यानी काउंटिंग ये वाली होगी, कहां से? राइट वाले साइड से काउंटिंग होगी। ये क्या हो जाएगा? गलत। याद रखना इसको, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंट प्रेजेंट हो, एल्काइल एल्काइल सब्सटेंट प्रेजेंट हो, देन हमेशा काउंटिंग जो होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करता है। इसमें मॉलिक्यूलर मास का कोई रोल नहीं है। और नाम भी फिर हम इसी तरह से लिखेंगे, नाम में भी हम वही ढूंढते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले हम लोग 3-इथाइल लिखें या 4-मिथाइल लिखें, तो 3-इथाइल लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट जो रूल है वो है आप लोगों के लिए, ये लास्ट रूल है इसका। जब हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तब स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमारे पास एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम हम किस तरह से लिखे? अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो सिंपल नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बोलोगे? बताइए जरा इसका नाम। नंबरिंग तो आप किसी भी साइड से कर सकते हो, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सबस्टिट्यूएंट जो है एकदम बीच में आया है। नंबरिंग तो कहीं से भी करो, मैं लेफ्ट से ले रही हूं। इसका नाम हम किस तरह से लिखें? अभी तक हम लोगों ने नाम लिखे नहीं थे, लेकिन नाम लिखने हमें आते हैं। कल का अगर आईयूपीएससी का रूल जो लास्ट में आया था, क्या था आईयूपीएससी का रूल जरा बताओ? आईयूपीएससी क्या कहता है? आईयूपीएससी का रूल क्या था कि एक आईयूपीएससी जो नेम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप, अगर है तो ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन ईन आइन, सिंगल एल्कीन है एल्काइन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, या एक भी डबल बॉन्ड है एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये इस पर डिपेंड करता है। और वर्ल्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। आप इसका नाम लिख सकते हो जरा, लगाओ जरा रूल। पहले तो आप इसको देखो, इसको करना कैसे है? देखो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अलग से नंबरिंग करके उसका नाम अलग से लिख देते हैं और उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। यूज वो प्रीफिक्स की तरह ही होगा। अभी भी प्रीफिक्स कहां पे होता है? वर्ड रूट से पहले। अगर प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो वर्ड रूट से पहले होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो प्रीफिक्स यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, पर क्या आप लोगों को पता है इसका कोई अलग से नाम तो होता नहीं है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें?
पांच है ना, पांच है ना, तो पांच को मैं पेंटेन तो लिख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये सिंपल चेन है नहीं, इसको नाम लिखना पड़ेगा। नाम कैसे लिखते हो, देखो वही देखो इसको, 1 2 3, इसका सब इतने का नाम देखो क्या है, 1, 2 डाई, डाई क्यों, क्योंकि दो है डाई मिथाइल, और अब बताओ कितने हैं, ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ये इसके सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या आएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 यानी प्रॉप, प्रॉप। और ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसका, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, कोई बताएगा मुझे, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ना ही ये एल्केन है, ना ही ये एल्कीन है, और ना ही ये एल्काइन है। अगर तुम इसमें कार्बन के नंबर देखो तो ये एल्काइल है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा एल्काइल ज्यादा है, तो इसका नाम प्रोपेन ना लिख के हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। और इसको डालेंगे ब्रैकेट में, क्यों डालेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अगर मैं इसको सीधे लिख दूंगी तो नंबर, अच्छा देखो पहले इसका नाम लिखो, मैं आपको आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों ब्रैकेट में लिखना पड़ा। अब इसका नाम तो मेरे को पता चल गया, लिखो इसका नाम क्या हुआ, 5 पे क्या आ रहा है, 5 5 पे एक ग्रुप आ रहा है, क्या है इसका नाम, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और 9 9 पे क्या आता है, नोनेन। अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल इनको करते हुए चले आओ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कराए। बस रूल यही है, प्रीफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स हमने कल पढ़ रखा है अच्छे से। फिर इसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है यानी इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स ये हो गया, एंड देन वर्ड रूट कितना है, 9 है तो नॉन, और प्राइमरी सफिक्स में सारे सिंगल वर्ड है तो एन, और फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे पास नाम आ गया, हमारे पास नाम आ गया। मैंने ये कहा कि अगर हमने ये नहीं लिखा होता ना, ये ब्रैकेट नहीं लिखा होता तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, 5 ऐसा लग रहा है इसी के साथ होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यानी जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक हो गया। ये हो गए हमारे पहले रूल, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उससे क्या चेंज आएगा, ये रूल्स कितने चेंज होंगे या सेम रहेंगे। तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ, जो रूल अभी तक अप्लाई हुए हैं वो सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा नंबरिंग में चेंज आएगा। होता ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्रायोरिटी में सबसे हाईएस्ट पे होता है, यानी उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, तो नंबरिंग में उसी के इर्द घूमते हैं। कैसे, देखो जरा, हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स है, पहले इस कॉम्प्लेक्स को देखो, अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो हमें तो अभी तक कहा गया था लॉन्गेस्ट चेन लो, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी ये, लेकिन प्रायोरिटी मैंने अभी कहा कि वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है उस लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, यानी 1, यानी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम तब चलेंगे कि भाई लॉन्ग चेन की तरफ है, यानी पहले हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। तो अब इधर को इधर को घुमाओ या उधर को घुमाओ, बात सेम ही है, तो इसमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी। तो ये पहला पॉइंट है जो नोट करना आपको, दैट नंबरिंग इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबरिंग होगी। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई एल्काइल हो तब नंबरिंग कैसे करें, तब लगता है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या लगता है, प्रायोरिटी, दैट जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, क्या आता है, डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में जो आता है आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है, हमेशा जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग इज अकॉर्डिंग टू द इसके, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझो जरा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे
यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया दैट इज COOH, ठीक है, और इधर को है कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। नंबरिंग किधर से हो, नंबरिंग कहाँ से होता? तो दो तरीके से लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं हम लोग, अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती तो हम 1-2 बोलते है ना, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की, तो इसको मिलता है 1, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 इसको मिलेगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और सिक्स, क्या नाम हो जाएगा इसको बताओ जरा। हमारे पास यहाँ पे ये है प्रीफिक्स, एल्काइल चेन का प्रीफिक्स यूज होता है हमेशा, तो क्या हो जाए इसका नाम, 2-मिथाइल, 2-मिथाइल, आगे बताओ क्या कारण हो रहे हैं, 6 के लिए क्या था, हेक्स, सारे क्या है डबल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है बट एक डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा इन, क्या आएगा इन, और इन कौन सी पोजीशन पे है, 4 इन, और पीछे से क्या आएगा ओइक एसिड, क्या आएगा इन और ओइक एसिड, 1 पे ना ओइक एसिड, और आपको याद होगा जब भी क्या होता है आपस में टकराते हैं बबल्स, बबल्स प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बबल्स टकराते हैं तो ई क्या होता है गायब, तो ये हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे क्या कहा हमने, अगर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे, एक साथ अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, देन डबल की, ट्रिपल की, और फिर लास्ट में क्या आएगा एल्काइल ग्रुप, लास्ट में क्या आएगा एल्काइल ग्रुप। थर्ड रूल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाईएस्ट तो है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक से ज्यादा है, एक ही होता है फंक्शनल ग्रुप, बताओ भाई फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना, है या नहीं है, तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो तब क्या करें, अगर हमारे पास इफ वी हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इन ऑन OC ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर क्या होगा, तब लगता है प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या लगता है प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर यानी जिस तरह से ये ऑर्डर इनके लिए है इस तरह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या है प्रेफरेंस है, और ये प्रेफरेंस आप लोगों को अच्छे से याद करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप दे देंगे और बोलेंगे कि भाई बताओ किसकी प्रायोरिटी क्या है ज्यादा है, तो मैं इसका ऑर्डर आप लोगों को लिखा देती हूँ, नंबर वाइज ठीक है, सबसे ज्यादा इसको प्रेफरेंस ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर और प्रेफरेंस ऑर्डर मीनिंग क्या होता है इसका, सेम होता है, प्रेफरेंस का मीनिंग भी सेम होता है प्रायोरिटी का भी, इसमें मैं आपको ये लिखा रही हूँ कि सबसे पहले कौन आता है, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, तीसरे पे आता है एसिड एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, फिर आता है एसिड क्लोराइड, फिर आता है एसिड क्लोराइड, ये सारे मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ पहले ही लिखा रखे हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड आता है, एसिड क्लोराइड के बाद आता है एमाइड, फिर आता है साइनाइड, नाइट्राइड भी बोलते हो आप इसको, फिर आता है आपका एल्डिहाइड, फिर क्या आता है कीटोन, फिर आता है एल्कोहल, फिर एमाइन, और लास्ट में आता है आपका क्या रह गया ईथर, ईथर का नाम नहीं लिखा था मैंने, मैंने ईथर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी और सफिक्स होता है ऑक्सी, ठीक है, ईथर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी और सफिक्स क्या होता है ऑक्सी, ये है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर का मीनिंग होता है कि ये अगर हमारे पास एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को जरा सा अप्लाई करके देखते हैं, मैं देती हूं आपको एग्जांपल और आप मेरे को बताओगे यूज करके,
पहला एग्जाम्पल देखो, ये वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला ऑर्डर, एक बार इसको भी देखते हैं। इसका नाम बताना जरा, नंबरिंग खास होगी 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आता है बताओ, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड का तो हमेशा सफिक्स ही होता है इसका, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इसका भी क्या हम यूज करेंगे, इसको सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, इसको इसको प्राइमरी सफिक्स मानेंगे। तो इसका वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन है यानी पेंट। फिर आना 3 पे क्या है, इन। फिर क्या है 1 पे, ओइक एसिड। क्या ध्यान रखना है कि वोवल से वोवल टकरा रहा है, इन गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ है तो, देखो इसका नाम बताओ फिर आप। ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप में ये होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स। क्या यूज करेंगे, सफिक्स। और जो दूसरा होगा उसका प्रीफिक्स। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसका हम यूज करेंगे सफिक्स, और जिसकी प्रायोरिटी कम उसका प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स सबसे पहले आता है। यहाँ पे कौन है प्रीफिक्स वाला, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, एल्कोहल की, एल्डिहाइड की। दिख रहा है, जिस जितना कम नंबर उतनी प्रायोरिटी ज्यादा। नंबरिंग करो जरा इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या है, एल्कोहल। और इसका मैंने आप लोगों को कल बता रखा है इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी, 4-हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल भी लिखा रहता है उस बुक में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 5 पे क्या आएगा, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। और पीछे से क्या आएगा, 1 पे अल, ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये, पेंटेनल, 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनल। और आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, खुद प्रैक्टिस करना। हम लोग चलते हैं आगे किस पे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा देखो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिनमें क्या होता है एक साइकिल होती है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ऐसे रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होती है साइकिल की रिंग प्रेजेंट होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते, उनको एलिसाइक्लिक कहते हैं। इनका नेम हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कभी कुछ कंपाउंड मिल गए तो आपको उनका नाम लिखना है, तो मैं इसलिए आपको इन जनरल बता रही हूँ थोड़ी बहुत बातें, आप उनको सीधे याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ सिंपल रिंग होती है, हमारे पास क्या हो, सिंपल रिंग हो, इसको तो जानते हो आप, इसका नाम तो हमने कितनी बार लिख दिया, क्या होता है, CH2 CH2 CH2। तीन क्या इसमें कार्बन के नंबर है। जब भी हम किसी एलिसाइक्लिक रिंग का नाम लिखेंगे तो उसका उसमें सबसे पहले जो अटैच होता है वर्ड, दैट इज साइक्लो। साइक्लो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रिंग है। उसके बाद हम उसमें वर्ड रूट लिखते हैं और फिर प्राइमरी सफिक्स, और अगर सेकेंडरी सफिक्स है तब, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, तो पहले तो लग जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन है, 3 यानी प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो प्रोपेन। इसी तरह से यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें कितने बताओ, कितने क्या है कार्बन है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन, 1 2 3 4, सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इस तरह से दिखाया जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर इस पे ही मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अभी भी स्ट्रक्चर में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है रिंग में, क्यों, क्योंकि गिनो जरा कहीं से भी सेम ही रहेगा, प्रायोरिटी किसकी होगी, डबल बॉन्ड की काउंटिंग तो वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता तो वही सेम प्रायोरिटी ऑर्डर लगता, दैट फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और फिर एल्काइल, एल्काइल चेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ, वही साइक्लो ब्यूट, लेकिन अब क्या होगा, इन, आप नंबर डालना चाह रहे हो डालो, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो 1 ब्यूटीन, क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम बात करें कि इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो तब क्या होगा, अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यानी कोई एल्काइल चेन है तब क्या होगा,
बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम क्या होगा। नंबरिंग वही, ये जब भी कोई बाहर का कोई सब्सटेंस ट्रेस हो तो नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। एल्काइल चेन है तब भी, डबल बॉन्ड है तब भी, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी, फंक्शनल ग्रुप है तब भी, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कहीं से भी काउंट करो सेम या नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। लेकिन इसका एल्काइल चेन का हमेशा क्या यूज होता है, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में यूज होगा। क्या है इसका नाम, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। एंड देन कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक चीज जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है और उसपे एल्काइल चेन है, लेकिन एल्काइल चेन का नंबर जो है वो ज्यादा है रिंग के अंदर के कार्बन से, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज मोर इन द चेन देन द रिंग, तब क्या होगा, तब ये जो होगी इसका हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अभी तक तो ये सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा था ना, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसका नाम आगे गया। इस बार ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा कब, जब नंबर ऑफ कार्बन रिंग के अंदर कम होंगे और चेन में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, वन टू थ्री फोर, बताओ। वन में क्या है, ये अब ये इसके पीछे ए नहीं लगेगा, ये साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एल्काइल ग्रुप होता है। वन साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, वन साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और एक और चीज इसी में, अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो किस पे हो, बाहर की चेन पे या एल्काइल पे, जिस पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपने आप उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी और उसी का हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे यानी उसके बाद दूसरा वाला अपने आप क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। करो एक एग्जांपल इसका, एक जैसे ये CH2OH, ये चेन तो छोटी है लेकिन इसके साथ क्या है, एक बहुत बड़ी चीज जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो भाई हम तो भाई अपना प्रोफिक वो करेंगे यूज, सफिक्स यूज करेंगे, तो ये बेचारा क्या करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। इसका नाम क्या जाएगा, वन साइक्लो ब्यूटाइल, वन साइक्लो ब्यूटाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो जानते हो आप, दैट इज मेथेनॉल, मेथेनॉल। ये हट गया है एन से और ओ एल जुड़ गया है, वॉवल टू वॉवल टकरा गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये था एरिसाइक्लिक, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, अब जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे जो कि आपके सिलेबस में है। देखो एरोमेटिक में ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, जैसे हमारे पास नॉर्मल में होता है। एरोमेटिक रिंग जो होती है वो बेंजीन से रिलेटेड ही होगी हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नंबरिंग जो होती है वो केवल तब होगी जब हमारे पास कुछ भी असिमेट्री आए, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अगर माना कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, सॉरी ये वाला कार्बन हो जाएगा वन, वन यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स। माना इसमें इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती आपको नंबरिंग की, जिससे हमारे पास एक सिंपल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। देखो इसका नाम जो होता है वो होता है बेंजीन, अगर हम इसको सफिक्स यानी बाद में यूज कर रहे हैं, अगर हमें आगे यूज करना है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज फिनाइल, अगर बाद में यूज करते हैं बेंजीन और शुरू में करना है तो फिनाइल। मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल एक सब्सटेंट होता है, उसके बाद इसका नाम आ गया यानी मिथाइल बेंजीन, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो बेंजीन। क्लियर है, अगर मैं इसमें थोड़ा बड़ा सब्सटेंट डालू, बड़ा सब्सटेंट डालू यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कोई डाल दू, जैसे ये है, इसका नाम क्या होगा बताओ जरा। तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी किसी की नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, इस पूरे की क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, उस केस में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, वन फिनाइल मेथेनॉल, मेथेनॉल ये इसका नाम हो जाएगा, वन फिनाइल मेथेनॉल। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ जरा, प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, इस तरह से मैं आपको कुछ लिख के दे रही हूँ, हमें वही करना है, उतने कर लोगे तो आप लोगों को ये भी आ जाएंगे।
कुछ नए नए फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं और उनको ट्राई करते हैं ना। अगर एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप हो तो इनके नाम लिखो जरा, बताओ, पॉज करके लिख लेना, मैं इनके नाम लिख देती हूँ, बाकी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ईथर ग्रुप है, ठीक है। ईथर में क्या आता है? ऑक्सी, इसके साथ आएगा ऑक्सी यानी फिनॉक्सी बेंजीन। ये प्रायोरिटी कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप में आता ओन, बेंजो फिनोन। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 1 3 5 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। क्लियर हो गया? सो ये है, और आप भर भर के एग्जाम्पल करो, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इससे ज्यादा रूल्स नहीं आप लोगों के पास, लेकिन अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल करने में क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस आता है, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सो और कुछ तो नहीं इसमें, और एग्जाम्पल होंगी तो हम देख लेंगे। तो ये थी आपकी आज क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।